डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 3.13 को सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज आर इक्वल। हमसे पूछा ये हुआ है कि भाई वो एंगल फाइंड आउट करें जिस एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल की हाइट और उसकी जो रेंज है वो इक्वल होती हैं। तो भाई एंगल हमें चाहिए, वो एंगल जिस एंगल पर हाइट और रेंज इक्वल है। सो टू फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड व्हेन मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजेंटल रेंज। अच्छा, अब हाइट जो है उसका फार्मूला होता है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। जबकि रेंज का फार्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा था, रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। इसमें से कुछ चीज़ें तो सीधी सीधे आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, यानी वी आई स्क्वेयर से और जी जी से आपस में कैंसिल हो गया। अब बाकी देखते क्या बचा, साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2 और दूसरी तरफ साइन 2 थीटा। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के असूल के मुताबिक साइन 2 थीटा जो है ये बराबर होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। उस हिसाब से फिर इस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जबकि इस तरफ मेरे पास क्या था, साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2। अच्छा, अब ये वाला जो एक साइन इधर से कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और 2 उस तरफ जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी साइन, हाँ एक और काम करना चाहते हैं हम, कॉस थीटा को इधर ले आते हैं, तो साइन थीटा इधर पहले ही मौजूद है, कॉस थीटा उस तरफ से यहाँ आ गया और ये वाला 2 दूसरी तरफ जाकर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आपको पता है टेंजेंट होता है, साइन ओवर कॉस जो है वो टेंजेंट और कॉस ओवर साइन जो है वो कॉट होता है, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बिकम्स टेंजेंट थीटा एंड 4 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। हमें तो थीटा चाहिए, टेंजेंट उधर तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा 4, और जब हम टेंजेंट इन्वर्स लेते हैं 4 पे तो आंसर हमें मिलता है 76 डिग्री। यानी पता हमें ये चला, हम इस नतीजे पे पहुंचे कि एट एन एंगल ऑफ 76 डिग्री रेंज और हाइट, एक प्रोजेक्टाइल की रेंज और हाइट एक दूसरे के बराबर होती है। दैट्स इट, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।